IPL 2023 का आठवां मुकाबला आज यानी कि 5 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला गुवाहाटी के स्टेडियम में होगा। दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं। राजस्थान ने सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत दर्ज की थी तो पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। इस मुकाबले से पहले आइए जानते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड्स रहे और दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होगी। पंजाब और राजस्थान के बीच में अगर देखा जाए तो राजस्थान भारी दिखाई देगी। दोनों टीम्स के बीच में अब तक कुल 24 मैचेस हुए हैं जिसमें से 14 मैचेस राजस्थान ने जीते हैं, वहीं 10 मैचेस में पंजाब को जीत मिली है। IPL 2022 में ये दोनों टीमें एक बार आमने सामने हुई थी जिसमें राजस्थान ने 6 विकेटों से जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने 41 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेली थी। राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच को 19.4 ओवरों में 190 रन चेस करते हुए जीत लिया था। पंजाब की ओर से जॉनी बेस्टो ने 40 गेंदों में 56 रन बनाए थे। हालांकि जॉनी बेस्टो इस पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल 11। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर पारी की शुरुआत करते देखेंगे। नंबर 3 पर देखेंगे संजू सैमसन, नंबर 4 पर देवदत्त पड्डीकल, नंबर 5 पर शमरन हेडमायर, उसके बाद रियान पराग, नंबर 7 पर आपको दिख सकते हैं जेसन होल्डर, नंबर 8 पर आपको दिख सकते हैं रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 10 पर KM आसिफ और 11वें नंबर पर आपको देखेंगे युजवेंद्र चहल। अब जरा पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। पारी की शुरुआत शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर आपको देखेंगे भानुका राजपक्षे, नंबर 4 पर आपको देखेंगे जितेश शर्मा, नंबर 5 पर लिविंग स्टोन, नंबर 6 पर शाहरुख खान, नंबर 7 पर सैम करन, नंबर 8 पर हरप्रीत ब्रार, नंबर 9 पर राहुल चहर, नंबर 10 पर कगिसो रबाडा और 11वें नंबर पर आपको दिखाई देंगे अर्शदीप सिंह। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और IPL की हर खबर पाने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना न भूलें।